गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, हमारा ये चौथा लेक्चर है। हमने तीन लेक्चर में निबंध लेखन किया, वही निबंध लेखन कंटिन्यू हम आज कर रहे हैं। तो लास्ट में मैंने आपको चलचित्र से लाभ या हानि, वो निबंध में लिखवा रही थी। हमने उसके तीन पैराग्राफ जो है वो कंप्लीट किए थे और मुद्दे भी मैंने लिखवा दिए थे। लास्ट जो हमारा टॉपिक था, लास्ट का जो हमारा पैराग्राफ था कि कुछ उत्तम कोटि के चलचित्र समाज सुधार का अनोखा काम करते हैं, वो मैंने लिखवाया था कि कुछ उत्तम कोटि के समाज सुधार का अनोखा काम करते हैं। चलचित्र जो है वो समाज को सुधारने का भी काम करते हैं। डाकू समस्या, बेकारी, विधवा विवाह, दहेज, भ्रष्टाचार, श्रम की महिमा, देश प्रेम, भाईचारा आदि पर बने चित्र लोगों को सुधार की प्रेरणा देते हैं। यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था। मैं पीडीएफ भी उस निबंध की रख दूंगी ताकि आप जो यहाँ जिसको लिखना ना लिखने में दिक्कत होती है वो पीडीएफ में से देख कर भी लिख सकते हैं। उसके बाद का जो पैराग्राफ है, जब जब पैराग्राफ मैंने आपको कहा था कि पैराग्राफ बदलेगा तब मैं कोई भी निशान आप भी कर सकते हैं ताकि आपको पता चले कि यहाँ से नया पैराग्राफ शुरू होता है। आगे का है चलचित्र शिक्षा के प्रसार में भी शिक्षा के प्रसार में भी बड़े 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 उपयोगी है, बड़े उपयोगी है। जैसे कि हमने एक पिक्चर देखा तारे जमीन पे, तो वो शिक्षा की एक पद्धति जो है उसके बारे में है। ऐसे कई पिक्चर जो है, एक और पिक्चर जो है हिंदी पिक्चर का नाम है सिर्फ हिंदी। तो ऐसे जो पिक्चर है, चलचित्र जो है वो समाज के अंदर शिक्षा के प्रसार में भी काम करता है कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाना चाहिए, बच्चों की प्रवृत्ति को किस तरह से बाहर निकालना चाहिए। इसमें ही आगे इसके द्वारा वैज्ञानिक और एक पिक्चर और था मिशन मंगलम, तो वो वैज्ञानिक के किस तरह से मिसाइल, किस तरह से स्पेस शटल जो अवकाश के अंदर उतरायन करता है, तो मिशन मंगलम पिक्चर जो है, चलचित्र जो है वो हमें वैज्ञानिक माहिती देता है। तो यहाँ वो भी कहा गया है, वो एक शिक्षा का पाठ है, एक हिस्सा है। आगे और का मतलब होता है वैज्ञानिक और भौगोलिक, वैज्ञानिक और भौगोलिक ज्ञान को अच्छी तरह प्रस्तुत किया जा सकता है। वैज्ञानिक और भौगोलिक ज्ञान को अच्छी तरह प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे कि आज हम चलचित्र के माध्यम से देखते हैं, यानी कि सुनीता विलियम्स के ऊपर जो फिल्म बना, जो चलचित्र बना, तो हमने देखा कि किस तरह सुनीता अवकाश के अंदर
टूथपेस्ट यानी कि ब्रश करती है, पानी पीती है, अपना रूटीन लाइफ किस तरह से वो चंद्र के ऊपर, वो किस तरह से चंद्र के ऊपर किस तरह से उसने उत्तरायण किया, तो वो सब जो है उसके माध्यम से हमें भौगोलिक माहिती बनती है। यानी कि यहाँ जो पर्वत, यहाँ की जो जमीन है, पृथ्वी की जो जमीन है, और चंद्र के ऊपर, मंगल के ऊपर किस तरह की जो मिट्टी है, तो वो सब हमें चलचित्र के माध्यम से हम जीवंत देख सकते हैं। एक समय था जब चलचित्र नहीं थे तो लोग कल्पना करते थे और कल्पना के माध्यम से वो काव्य लिखते थे। और इसके लिए एक वाक्य भी कहा गया है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो वो वैज्ञानिक पासा जो है, वो चलचित्र जो जितनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, अभी 3G 4G ये सब जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज हम कोई भी चित्र को जीवंत महसूस कर सकते हैं, जीवंतता का उसमें हम एहसास कर सकते हैं। तो चलचित्र हमें भौगोलिक यानी कि वैज्ञानिक भौगोलिक शिक्षा के तौर पर, हम ऐसा शिक्षण कभी हमने ऐसे नहीं देखा था, जैसे कि हमें ऐसा ही लगता था कि क्लास में ही पढ़ा जा सकता है या तो आश्रम में ही पढ़ा जा सकता है, पर कोई नहीं है। जैसे कि आज हम देखते हैं तो बिना टीचर से भी हम चलचित्र के माध्यम से काफ़ी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। कोई शिक्षक हमारा ना हो फिर भी हम मोबाइल के जरिए या तो इंटरनेट के जरिए काफ़ी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जो GPSC UPSC IPSC की तैयारी बिना ट्यूशन से कंप्यूटर के माध्यम से करते हैं, तो वो हमारे लिए एक वैज्ञानिक देन है कि हम काफ़ी तैयारियाँ कोई भी कोई मनुष्य के आधार के बिना कर सकते हैं, तो वो एक टेक्नोलॉजी है, जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है। रामायण और महाभारत, रामायण और महाभारत, रामायण और महाभारत के प्रसंगों पर बने चित्र लोगों को सदाचार और न्याय की प्रेरणा देते हैं। ऐतिहासिक फिल्में अपने युग का आईना बनकर हमें प्रभावित करती है। जैसे कि शिवाजी के ऊपर तानाजी पिक्चर जो बना, तो वो सब इतिहास की घटनाएं हैं, तो वो हमें उस समय की याद दिलाती है। जो चलचित्र के माध्यम से हमें वो सब जीवंत के किस तरह से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के सामने युद्ध किया, महाराणा प्रताप किस तरह से लड़े, शिवाजी किस तरह से लड़े, तो वो इतिहास था। और हर एक घटना जो है, इतिहास की जो घटनाएं हैं, वो चलचित्र के माध्यम से हम जीवंत देख सकते हैं और उसमें से हम काफ़ी प्रेरणा ले सकते हैं। चलचित्र राष्ट्रीय
चलचित्र राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकता बढ़ाने बढ़ाने के उपरांत उपरांत सहज उपरांत सहज रूप से राष्ट्रभाषा राष्ट्र भाषा का प्रचार करते हैं। राष्ट्रभाषा का प्रचार करते हैं, किस तरह से राष्ट्रभाषा का प्रचार करते हैं? तो आज छोटे छोटे बच्चे अच्छी हिंदी बोल सकते हैं। एक समय था जब हमें हिंदी समझ में नहीं आती थी क्योंकि हम गुजराती है, पर चलचित्र के माध्यम से आज वो जो बच्चे हैं ऐसे ऐसे सीरियल देखते हैं, ऐसे ऐसे फिल्म देखते हैं, तो वो काफ़ी शब्द की जानकारी वो इसके माध्यम से ले सकते हैं। जैसे कि कोई शब्द है अन्नाड़ी शब्द, तो पहले के समय में हमें वो पता नहीं चलता था, डिक्शनरी के बारे में भी मालूम नहीं था। मैं जब 8वीं कक्षा में पढ़ती थी तो तब वो पिक्चर रिलीज हुआ था, वो चलचित्र रिलीज हुआ था अन्नाड़ी, तो मैंने सोचा कि वो अन्नाड़ी नाम क्यों रखा गया है, उसका मतलब क्या होता है। पूरा चलचित्र देखने के बाद पता चला कि जो उसका हीरो है वो बुद्धू, अन्नाड़ी का मतलब बुद्धू, जिसमें कम बुद्धि है ऐसा, जिसको अन्नाड़ी कहा जाता है। तो कोई भी चलचित्र हम देखते हैं तो उसके नाम का अर्थ हमें चलचित्र के माध्यम से पता चल जाता है कि इस फिल्म का नाम के अर्थ यही है। तो आप भी काफ़ी फिल्म देखते हैं तो उसके देखने के बाद हमें उसका अर्थ उसका मायना पता चल जाता है। तो हमारी राष्ट्रभाषा का प्रचार भी अच्छी तरह से चलचित्र के माध्यम से हो सकता है। उसके आगे का जो पैराग्राफ है लिखवाती हूँ। आगे लिखते हैं, हम पैराग्राफ करके लिखना है। रास्ते और रोमांचक चलचित्र, सॉरी सस्ते और रोमांचक चलचित्र समाज पर बुरी असर भी डालते हैं, समाज पर बुरा असर भी डालते है। इनके कारण समाज में फैशन दिखावा और निरंकुशता की वृत्तियाँ यानी मानसिकता वृत्तियाँ फैलती है। सिनेमा के सी
ने माँ के चिल्ले माँ के हिंसात्मक हिंसात्मक सिनेमा के हिंसात्मक दृश्य दृश्यों भद्दे गीतों और भद्दे गीतों और नृत्यों के कारण लोगों में बुरे संस्कार पैदा होते हैं, बुरे संस्कार पैदा होते हैं। जिस ओर इसके फायदे हैं, दूसरी ओर उसके नुकसान भी है। किस तरह से? तो कि इनके कारण समाज में फैशन, दिखावा और निरंकुशता यानी कि कोई भी चीज़ है जो हम देखते हैं तो वो दंगा वगैरह वगैरह जो है उसके ऊपर अंकुश हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चलचित्र देखने के बाद उसके मन में इतनी आक्रोशता आ जाती है कि वो जिस तरह से घर में बच्चे जो भी सीन देखते हैं वही घर में वो एक्टिंग करता है, तो वो तो घर की बात है, पूरे समाज के लोग वही मानसिकता रखता है, तो वही वृत्तियाँ यानी उसकी मानसिकता ऐसी फैलने लगती है, यानी कि वो ऐसे ही फैलती है। सिनेमा के हिंसात्मक दृश्यों, उसमें दिखाए गए हिंसात्मक दृश्य जो है उसके कारण लोगों समाज के अंदर हिंसा भी फैलाते हैं, कई ऐसे आइडिया जो है तो वो आइडिया वो उसमें से लेते हैं। काफ़ी बच्चे जो है जो मैच्योर नहीं है, जो परिपक्व नहीं है, वो उस फिल्म का उस चलचित्र का अनुकरण करके समाज में वो हिंसा करता है। उसके बाद उसमें दिखाए जाने वाले भद्दे गीत यानी कि जो पूरे समाज में वो पूरा समाज नहीं देख सकता है, पूरी फैमिली नहीं देख सकती, ऐसे जो गीत वो बताए जाते हैं, ऐसे जो दृश्य नृत्य बताए जाते हैं, उस नृत्य के कारण लोगों में बुरे संस्कार, पहले के ज़माने में लोगों ऐसे दृश्य नहीं देखते थे तो उसके संस्कार जो है उसमें संस्कारिता थी। आज पूरी फैमिली एक साथ बैठ कर जो फिल्म देखती है तो उसमें सब कुछ अच्छा नहीं होता है, काफ़ी नृत्य ऐसे होते हैं जो पूरी फैमिली साथ नहीं देख सकते, फिर भी आज लोग देखते हैं तो उसके ऊपर मन के ऊपर उसका बुरा असर होता है। आगे बुरे संस्कार होते हैं, कुछ फिल्में लोगों को हत्या शोषण चोरी डकैती तस्करी जैसी बुराइयों की ओर ले जाती है। बुराइयों की ओर ले जाती है। कई ऐसी फिल्में होती हैं जो लोगों को हत्या, शोषण, चोरी, डकैती
ऐसी रास्ते पर ले जाती है। तो काफी फिल्म देखने के बाद बच्चों के अंदर, बच्चों की मानसिकता के अंदर वो परिवर्तन हमें समाज में देखने को मिलता है। परिवर्तन यानी अच्छा नहीं, बुरा। अच्छा परिवर्तन होता है तो चलचित्र जो अच्छे होते हैं उसमें से समाज अच्छी प्रेरणा लेता है और काफ़ी अच्छा या उसमें से लोग सीख सकते हैं। तो वो सब जो है, कहीं हमने ऐसी फिल्म देखी कि जिससे हमें काफ़ी समाज में परिवर्तन भी देखने को मिला, पर आजकल के बच्चे जो है वो ऐसी फिल्म नहीं देखते हैं जिसमें से समाज का परिवर्तन हो। लास्ट पैराग्राफ है, यदि हमारी सरकार, यदि हमारी सरकार और निर्माता यदि हमारी सरकार और निर्माता अच्छे और शो दृश्य यानी कि जेमाथी कंईक उद्देश्य मळे एवा दृश्य ने शो उद्देश्य कहेवाय। शो दृश्य चलचित्र बनाए तो निसंदेह निसंदेह वे राष्ट्र और समाज के उत्थान का सबल साधन बन सकते। कोई भी चलचित्र जो निर्माता उसका निर्माण करते हैं उसके बाद वो हमारी गवर्नमेंट उसके अप्रूव करती है, गवर्नमेंट उसको पास करते है, उसके बाद वो समाज में रिलीज होता है। पर गवर्नमेंट वो प्रयत्न नहीं करती है कि यह दिखाने लायक है समाज को या नहीं दिखाने लायक है समाज को। कई ऐसे देश है जो वो देश के अंदर कई ऐसे चलचित्र है जिसके ऊपर बैंड लगाया गया है वो नहीं दिखाया जाता है, पर भारत ही एक ऐसा देश है कि जहाँ सब कुछ चलता है। तो यहाँ हम देखें तो समाज के उत्थान यानी कि प्रगति के लिए सबल साधन वो बन सकता है जो निर्माता और हमारी सरकार दोनों प्रयत्न करें कि हमारे हमें कैसा समाज निर्माण करना है, कैसे समाज का हमें निर्माण करना है वो हमारी सरकार के ऊपर आधार है। जो वो प्रयत्न करेगी तो हमारा समाज अच्छा भी बन सकता है इस चलचित्र के माध्यम से। उपदेशक जो काम बड़े बड़े उपदेशक यानी कि कथाकार जो काम बड़े बड़े उपदेशक नहीं कर सकते वह चलचित्र सरलता से कर सकता
सरलता से कर सकता है। नेता, नेता समाज, नेता समाज को प्रगतिगामी प्रगतिगामी नेता समाज को प्रगतिगामी बनाने में भले असफल रहे पर अभिनेता इस कार्य में पूरी तरह सफल हो सकता हो सकते हो सकता नहीं हो सकते है। यहाँ ये निबंध पूरा होता है। हमने लास्ट में देखा कि समाज को सुधारने में नेता पूरी सब तरह सफल नहीं हो सकता है, पर अभिनेता, जैसे कि हमने नायक पिक्चर देखा, तो कितने लोगों के अंदर हमारी पॉलिटिक्स के बारे में जो गलत फहमियाँ थी वो दूर हो गई। तो नेता जहाँ सफल नहीं हो सकता है, वहाँ चलचित्र जो है वो अभिनेता के जरिए समाज को सुधारने का एक जरिया बन सकता है। यहाँ से आगे का निबंध मैं पांचवें लेक्चर में लिखूंगी। थैंक यू।